अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आप एक बात बता दीजिए, दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, सत्ता की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, पुलिस प्रशासन न्याय दे, न्याय दे, न्याय दे, अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, हथियार तो चार अपराध की प्रकृति गंभीर है सर, 326 पड़ सकती है जिसमें जब तक धाराएं नहीं बढ़ेगी हम लोग नहीं उठने वाले। थोड़ी सुन तो हमारी आपके साथ पांच आदमी दे दो, पीड़ित पक्ष के लोग दे दो, मैं साहब से मिलवा देता हूँ। सर हमारा खेला के साहब को 5 मिनट यहाँ बुलवा दो, यहाँ बुलवाना क्या होगा सर? यहाँ कोई नहीं बोलेगा, नहीं आप 5 मिनट में बात हो जाएगी, बात होती क्या? आप भी एक से बात करें 10 दिन में फिर दो मिनट साहब आंदो, कोई कोई बात नहीं, साहब को एक बार यहाँ बोलो। आप लोग नीचे रखा, हमने नहीं घुमाया, तो आप अंदर ना आने दो ना उनको, क्यों नहीं आने सर? उठा के आने यहाँ क्यों नहीं अरे मेरी बात सुनो, सुनो एक 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 तो मैं बात नहीं कर सकता, सब चुप रहेंगे, आप बोलो सब चुप रहेंगे। देखो प्रधान ने बैरिकेड लगा दिया, पुलिस को बचाने का प्रयास कर रही है। जांच से जो इन्वेस्टिगेशन और उनसे संतुष्ट नहीं है तो अपन इनकी जांच आयात थाने में वरिष्ठ अधिकारी से करवा पूरे घर को बुला देंगे, यही रोड पे मार मार के मारे यार। अरे नहीं मारे साहब के बाद उच्च न्यायालय इनको लेके एक एक बात करो, क्या बेटा, क्या बेटा, एक एक बात करो। देवान का बच्चा जब खोया हुआ है, बच्चा जब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, घूम रहा आरोपी तो करेगा अभी क्या लड़े बताओ ना, इन लोगों को क्यों नहीं बताते हो? तो मैं बोलूं आप भी बोलो, आपको मारा है ना, जवाब दे दीजिए। हर वक्त हर लोग के हर दर्द क्यों काटे आप? इस बार बाहर से आने का वही करो, उसको दिखाना, सुनाई नहीं देना, क्या कुछ भी नहीं देना।
बाकर। कौन से गांव का मामला है? बागसरा ग्राम। क्या हुआ, क्या था, क्या विवाद? सर मेरे पापा की जमीन सरकार शासकीय जमीन से वो है, जहाँ शासकीय जमीन पर कब्जा था, इसके बाद सरपंच बन गया ये, तो इसके बाद उसने तलाई खोदी उस जमीन में, तो तलाई खोदने के बाद फिर एक बार सरपंच में जीत गया, इसके बाद मेरे पापा वो तलाई बनने के बाद खेत बना लिया इसने, उस खेत बनाने के बाद कब्जा हटा के लिया हमारा। पहले हम उसमें खेती कर रहे थे, फसल भी काट रहे थे, साफ सफाई भी मेरे पापा और हम बच्चों ने करी थी, तीन भाई बहन है हम। कब की घटना है ये, कब हुआ था वादी वादी? ये काफी 24 तारीख की शाम को हुआ है सर। ये वो जमीन निजी है कि सरकारी है? सरकारी है सर, हम उसमें खेती कर रहे थे। तो अभी आप इनको एम्बुलेंस से यहाँ लाए और यहाँ पे इनकी तबियत बिगड़ गई है, क्या हुआ अभी? नहीं, चोट कैसे लगी? इसलिए हम यहाँ लाए। चोट कैसे लगी इनको? ये चोट इनको जान से मारने की कोशिश की। मेरे पापा सोनकर से, मेरे पापा रात दिन में सब्जी का ठेला लगाते हैं, रात को एटीएम गार्ड की नौकरी करते हैं सोनकर एटीएम पे। किसने मारा है? ये गांव के सरपंच ने, उसके परिवार ने, 6 जने ने मिलकर मारा, और 3 जन पता नहीं कौन थे, वो पता नहीं पहचान में नहीं आए मेरे पापा को। क्या नाम है आपके पिताजी का? मेरे पापा का नाम बहादुर सिंह है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम रचना है। गाँव कौन सा है? बागसरा। राजेश, दीपक और अनिल और कमल और मदन, ये 5 आरोपी गांव के ही है। गाय के लिए विवाद हुआ है, पुराना विवाद हमारा, रंजिश चल रही है बहुत 2-4 साल पहले से। तो वो कह रहे हैं कि गांव में तुम रेलो के या हम रेलो, हमारे घर के सामने से तुम नहीं होना और यहां से नहीं भगे तो तुम्हारे परिवार को एक एक करके जान से खत्म कर दिया जाएगा। तो ये कौन से गाँव का मामला है? भौरा गाँव, भौरा। हाँ, जिला देवास, तहसील टॉप खुर्द और थाना भी टॉप खुर्द। 1 महीना हो गया है, पुलिस वाले ने पैसा खा लिया पुलिस प्रशासन ने, और कोई सुनवाई नहीं कर रहे है, और वो आजादी जैसे घूम रहे है और फिर भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कौन लोग हैं ये? खाती समाज के। कितने लोग घायल हो आप? अभी मैं अकेला हूँ, और साथ में ऊपर जो आए मरीज वो दुखकर बागसर गांव के है, और आजादी से घूम रहे हैं और कह रहे हैं पुलिस वाले ने कौन सा हमारा बाल बांका कर लिया है, यूँ कह रहे हैं। और पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? आपका नाम क्या? ईश्वर नाम है मेरा। और पुलिस प्रशासन ने क्या मेरा बाल उखाड़ लिया, यूँ कर कहता है वो दीपक और राजेश। चलो ठीक है, ले जाओ। समझ लीजिए, बताइए आप ये ये एक टोपखुर्द थाने अंतर्गत ग्राम भौरा की घटना है, जहां पर एक दलित व्यक्ति के साथ रास्ता रोक करके 5-6 लोगों ने मारपीट की, गंभीर मारपीट की, जिसमें गंभीर चोटें आई, जिसमें एक हाथ फ्रैक्चर है, एक पैर फ्रैक्चर है, उसकी पसली फ्रैक्चर है। लेकिन पुलिस के कानून की जो लाचार व्यवस्था है उस पर हम लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने जो है उसमें मात्र 323-294-534 में कायमी की है, कोई भी उचित कार्रवाई उसमें नहीं हुई है। जब हमने आंदोलन की चेतावनी दी पुलिस प्रशासन को, तो शाम को इन्हें 325 उसमें बढ़ाई, अभी भी हम लोग पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा है कि हम 2 दिन में डॉक्टर की क्यूरी करवा के दोनों घटनाओं में उचित कार्रवाई करेंगे और उचित इनका इलाज करवाएंगे। दूसरी घटना, दूसरी घटना ग्राम भागसरा की है, जिसमें एक सरपंच है गांव का, जो भागसरा गांव का सरपंच है, उसमें ये जमीन का विवाद है। पहले जमीन इनके पास में थी, जो दलित परिवार, इनके पास जमीन थी 6-7 बीघा जो जमीन थी सरकारी, उसमें सरपंच जैसे ही वो बना, सरपंच बनते उसने उस पर उसका कब्जा करा, तलाई बना दी उसने। तलाई बनाने के बाद में वापिस तलाई को बोर करके उसने खेत बना लिया, उसमें उसी का विवाद है। और एक RTI हमारा जो दलित परिवार है, इसने एक RTI लगा रखी है, जिसमें करीबन 2 करोड़ रुपए का गबन का मामला है। उसमें उस गांव के अंदर जो है रोड, कागजों में रोड बने हुए हैं, लेकिन वहां पर रोड नहीं है, ऐसा हमारे परिवार का कहना है। वहां पर कुछ नालियां पक्की कागजों में बनी हुई है, उसी परिवार के साथ मारपीट हुई है, और उनके साथ में भी जो है उनका हाथ फ्रैक्चर है, उनका पांव फ्रैक्चर है, और शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जहां पर उन्हें चोट नहीं है। लेकिन पुलिस ने सेम कार्रवाई उसी घटना में भी की है। कौन से थाना क्षेत्र है ये? सोनकर थाना क्षेत्र का मामला है, पहले वाला टोपखुर्द थाने का मामला है, और दोनों थाने पे कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। आपका नाम? एडवोकेट हीरो सोलंकी, अध्यक्ष बीमार में देवास।